नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है सेकंड एक्सरसाइज का, वो क्या बोलता है जी? सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हमने कल कर ली थी। तो इसमें ये क्या बोलता है कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब आपने ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था? हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देखी थी। ठीक है जी, हमने क्या किया था? हमने रिप्रेजेंट किया था, और रिप्रेजेंट हमने कैसे किया था? एल्जेब्रिकली ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इस फॉर्म में हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया था, ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन थी। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या कर सकती हैं, सिर्फ तीन तरीके से बन सकती हैं। उनका ग्राफ भी हमने देखा था, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या वो पैरेलल होंगी, और या वो कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर एक होंगी, राइट? तो अभी तक हमने इतना डिस्कशन किया। तो अब आगे ये बोल रहा है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन वर्ड का क्या मतलब है यहाँ? जब हम एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या होता है वो सारे पॉइंट्स होते हैं उस लाइन पे, है ना? जैसे आप क्या कहेंगे कि ये लाइन है जी, सॉल्यूशन मेरा क्या है? इसके ऊपर हर जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन है मेरा, अलग अलग एक्स वाई वैल्यू के लिए, राइट? तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे पहला मेरा ग्राफ दिख रहा है मुझे जिसमें इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइंस पे कॉमन है जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसमें मेरा ये सॉल्यूशन आ जाएगा ग्राफिकल मेथड। अब जब पैरेलल लाइंस मेरी होंगी सेकंड केस में, ये तो इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, तो सॉल्यूशन बेसिकली मेरा सॉल्यूशन जो होता है दैट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी ग्राफ का सॉल्यूशन मेरा क्या होता है, जो सब पे लाई करे, तो दैट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइंस का। ठीक है जी, तो अब दो लाइंस में पॉइंट पहले केस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? यहाँ पे, तो ये सॉल्यूशन हो गया। दूसरे में देखो, पैरेलल लाइंस में कहीं इंटरसेक्ट करती हैं? पैरेलल लाइंस तो इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, तो देर इज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कोइंसिडेंट में नीचे जो है, इसमें देखो सारे पॉइंट एक दूसरे के कॉमन है, तो इसमें क्या आएगा मेरा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है जी, तो यहाँ मेरे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन गए। तो मेरा क्या बनेगा? फर्स्ट में मेरा यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, और तीसरी में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये मेरा स्नैपशॉट बन गया एक। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन का यही मतलब है। तो आपके माइंड मैप में ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन करी थी उसके आगे एक स्टेप आगे चल पड़े हम, राइट? तो जिसने स्नैपशॉट खींचना है खींच लो, मैं इसे ड्रॉ फिर डिलीट करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी तो ये सारा हो गया। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ क्या है इसमें, कि हमने क्या किया था कि हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में एल्जेब्रिक देखेंगे हम कि कैसे बिहेव करते हैं, एल्जेब्रिकली बताएंगे हम कि हम कैसे बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स है या कोइंसिडेंट लाइन्स है या पैरेलल लाइन्स है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे इक्वेशंस को इस फॉर्म में, यानी इस साइड हमेशा ज़ीरो रहेगा, उधर कोई कांस्टेंट है तो उसको ट्रांसपोज करके इधर ले आएंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे अपने कोफिशेंट्स को लिख लेंगे। जैसे यहाँ वन है तो ए वन मेरा वन हो गया, ए टू मेरा थ्री हो गया, बी वन मेरा माइनस टू हो गया, साइंस के साथ लेंगे, और बी टू मेरा प्लस फोर हो गया। इधर सी वन मेरा ज़ीरो आ गया क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ, और यहाँ सी टू मेरा माइनस ट्वेंटी आ गया। फिर हम क्या करते हैं, हम ए वन ओवर ए टू करते हैं, तो ये वन बाई थ्री आ गया, आप देख सकते हैं बड़े आराम से ए वन ओवर ए टू करके। बी वन ओवर बी टू करेंगे तो वो माइनस टू अपॉन फोर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद मैंने सी वन ओवर सी टू करा, वो ज़ीरो ओवर माइनस ट्वेंटी आ जाएगा। तो बेसिकली क्या बना कि ए वन ओवर ए टू, इसको आपको कंपेयर करनी है रेशियोज़ को, तो सी वन सी टू तक जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पहले ही दो इक्वेट नहीं हो रहे। ए वन ओवर ए टू अगर बी वन ओवर बी टू के बराबर नहीं आएगा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लाइन्स जो हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। समझ आ गई बात आपको? ए वन ओवर ए टू आप यहाँ चेक कर सकते हैं, देखो वन ओवर थ्री इज नॉट इक्वल टू माइनस टू ओवर फोर। ठीक है जी, ये हम दोनों से देख लिया हमने, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये आप आज के बाद याद रखेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली एक सोल्यूशन है, वो हमें पता ही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्यूशन होता है। ठीक है जी, अब इसने हेडिंग क्या दिया देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी निकल के इसका मतलब, और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि इसका एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा,
जैसे कुछ भी आ सकता है, एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू फोर, कुछ भी आ सकता है, एक ही सोल्यूशन निकल के आएगा। फोर टू आया था, मुझे याद आ रहा कल शायद, फोर कॉमा टू आया था, तो एक्स की वैल्यू फोर आई थी और वाई की वैल्यू टू आई थी, क्योंकि दोनों में था वो शायद, जस्ट एक वो है हंच है, एग्जैक्ट नहीं है। तो अब सेकेंड में आप देखो, सेकेंड इक्वेशन में क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन में जब ए वन ओवर ए टू किया, बी वन ओवर बी टू किया, तो दोनों देखो कैंसिल आउट करके वन बाय टू आ रही है, और इवन सी वन और सी टू भी कैंसिल आउट करके वन बाय टू आ रहा है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, इसमें तीनों इक्वेशंस रेशोज जो है मेरी तीनों, वो बराबर हो जाती हैं, राइट, सारे कैंसिल आउट होके वन बाय टू आ जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट होके वन बाय टू, और ये भी कैंसिल आउट होके वन बाय टू, इवन साइंस भी सेम होने चाहिए, अगर माइनस वन बाय टू कहीं आ गया तो नहीं, वो बराबर होगा। तो उससे क्या होगा, तीनों अगर मेरे बराबर हो जाती हैं रेशोज, तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तीनों अगर इक्वल हो गया तो कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब तीनों एक के ऊपर एक आई थी, ये ग्राफ कल आया था। तो अब आप रेशो देख के ही बता सकते हैं चाहिए कि तीनों अगर इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई पूरा कर रही हैं, कोई भी पॉइंट, हर पॉइंट जो एक दूसरे के ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये भी अब आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरे में जब मैंने इसमें ए वन ओवर ए टू, बी वन ओवर बी टू और सी वन ओवर सी टू करा, तो आप ये देखो बी वन ओवर बी टू तो कट के वन बाई टू आ रहा है, जो ए वन ओवर ए टू के साथ बराबर आ रहा है, लेकिन ये कट के वन बाई थ्री आ रहा है, ठीक है। तो ए वन पहले दो मैच कर रहे हैं, तीसरा मैच रेशो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जब मेरा पहले दो मैच करेंगे और तीसरा मैच नहीं करेगा, दैट इज पैरेलल लाइंस, ये हमें याद रखना है, तो वो पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है जी। और पैरेलल लाइंस का मतलब है नो सोल्यूशन, तो ये टेबल इतना आसान है, ठीक है। तो आपको ये जो थर्ड रो है, बस इसी से याद रखना है कि ए वन ओवर ए टू जब बराबर नहीं है पहले बी वन ओवर बी टू के साथ, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब होता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। जब ये तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। और जब सिर्फ दो बराबर हैं, पहली दो बराबर हैं, सी वन ओवर सी टू के साथ बराबर नहीं है ए वन ओवर ए टू या बी वन ओवर बी टू, तो पैरेलल लाइंस है, नो सोल्यूशन। अब इसमें मैं एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ आपको, ठीक है, वो आगे दिया हुआ है आपका वर्ड, इसी में आपका टेबल पूरा बन जाएगा। और वो टेबल क्या बनेगा कि जब भी मेरे सॉल्यूशंस आएंगे, उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है जी। जब भी मेरे सॉल्यूशंस आएंगे, चाहे मेरा देखो सॉल्यूशन कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग में आ रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है जी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं ये। और ऐसे ही इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, वो भी कंसिस्टेंट है, चाहे भले ही एक से ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन तो आ रहे हैं, तो कंसिस्टेंट है। नो सॉल्यूशन, जहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, उसको बोल देते हैं हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया मेरा, ठीक है जी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोल सकते हैं इसे हम। अब पहले दो में भी एक डिफरेंस होता है, जब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट। आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू एक ही बार मिल रही है, कोई डिपेंड नहीं कर रही, तो इंडिपेंडेंट, सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। और कंसिस्टेंट के साथ क्या आएगा, डिपेंडेंट, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डिपेंडेंट करते हैं एक दूसरे के ऊपर लाइन, ऐसे याद रख लो, तो ये होता है डिपेंडेंट, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट करता है मेरे इस टेबल को, क्योंकि आगे ये वर्ड्स आपके यूज़ होंगे। तो सबको समझ आ गया, देवांश कह रहा है कि अगर मेरा ए वन ओवर ए टू सी वन ओवर सी टू के बराबर आ जाए, मतलब ये कह रहा है कि ए वन ओवर ए टू अगर मेरा सपोज बी वन ओवर बी टू से हमें नहीं पता, लेकिन सी वन ओवर सी टू के बराबर आ जाए, तो देखो दो केस बनेंगे इसमें। एक केस तो मेरा बनेगा जब ये इक्वल टू बी वन ओवर बी टू होगा, और दूसरा केस मेरा बनेगा जब ये नॉट इक्वल टू बी वन ओवर बी टू होगा। तो इस केस में जब ए वन ओवर ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बी टू हो गया, तो ये तो पहला ही केस हो गया, देखो सेम केस है, उसमें तो चाहे सी वन बराबर है चाहे नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है जी। और अगर इक्वल हो गया तो ये इनफाइनाइट में चला जाएगा अपने आप, कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएंगी, तो इसलिए ए वन और सी वन का कोई इतना फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ये देखिए, अब ये बार बार आपको बहुत जगह मिलेगा, इंटरसेक्टिंग कब होती हैं, जब मेरा ए वन ओवर ए टू बी वन बी टू के बराबर नहीं होता। कोइंसिडेंट कब होती हैं, जब तीनों बराबर होते हैं। और पैरेलल कब होती है, जब लास्ट वाला बराबर नहीं होता, ठीक है जी। तो बार बार आएगा आपको, आप इसे याद रखना है आपको।
अगला जो है देखो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल फोर में चेक करो आप क्या बोल रहा है। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर इज कंसिस्टेंट। अब वो कंसिस्टेंट वर्ड बोल रहा है। अब कंसिस्टेंट कहाँ होता है, जहाँ हमारा सोल्यूशन आता है, चाहे वो यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो। तो ये हमें पता होना चाहिए, अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम इसमें फंस जाएंगे क्वेश्चन में। वो कहता है इफ सो, अगर तो है, सॉल्व देन ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं करना, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए वन ओवर ए टू ही करना है बस, सिंपल। तो यहाँ से क्या आ रहा है, वन बाय टू आ रहा है पहले, वन बाय टू। दूसरी से क्या आ रहा है, थ्री ओवर माइनस थ्री। और तीसरी से क्या आ रहा है, माइनस सिक्स अपॉन माइनस ट्वेल्व। तो ये तो कट के वन आ जाएगा, माइनस वन आ रहा है, और ये कट के वन बाय टू आ रहा है। तो ए और सी का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरा वन बाय टू नॉट इक्वल टू माइनस वन हो गया, तो यहीं से मेरा यूनिक सोल्यूशन बन गया, क्योंकि ए वन ओवर ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन ओवर बी टू, तो यूनिक सोल्यूशन बन गया। तो कंसिस्टेंट तो 100% है, ये कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट है ना, तो इसने इंडिपेंडेंट नहीं पूछा तो कंसिस्टेंट तो है ही ये 100%। और यूनिक सोल्यूशन भी मुझे आइडिया लग गया कि यहाँ से बनेगा, तो इसका मतलब मेरी लाइंस, मुझे पहले से आइडिया है कि मेरी लाइंस कैसे आने वाली हैं, ऐसे आने वाली हैं और एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, अब ग्राफ आपको बनाना आता है, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, किसी ने स्नैपशॉट लेना फटाफट ले सकता है वो। तो ये देखो, ये इसने दोनों इक्वेशंस ली और ग्राफ बना दिया, राइट। अब आप ये ग्राफ देख रहे हो, एक लाइन है और इंटरसेक्ट कर रही है 60 पे, ठीक है। अब इसमें ना आप लोगों को क्या होगा, आपने तीन पॉइंट्स लेने, इसने दो पॉइंट्स लिए, आपने तीन पॉइंट्स लेने कम से कम, ताकि हमें पता चल जाए जी हमारा ग्राफ ठीक जा रहा है, क्योंकि दो में कई बार गलती हो तो कैच नहीं होती है, ओके। तो आप तीन पॉइंट जरूर लेंगे, और अगर बाई चांस आपका जैसे यहाँ पे 60 आ रहा है, तो आप यहाँ पे अगर बाई चांस आपने 6 ले लिया, ठीक है जी, तो आपने यहाँ 6 अगर x को ले लिया, तो आप देखो क्या आएगा इधर, 2 इंटू 6 12, 12 माइनस 12 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो आप इतनी अवेयरनेस ऑन ज़रूर रखेंगे कि आपको आंसर यहीं दिख जाना चाहिए कि 60 मेरा कॉमन पॉइंट है, तो आप जब ग्राफ बनाएंगे वो 60 पे 100% मैच करेगा। तो ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली पैरेलली आपको दोनों समझ होनी चाहिए कि मेरा आंसर क्या बन रहा है, ठीक है। आपको ऐसे वेट नहीं होगी कि भाई ये तो वहाँ जाके मिलेगा, हो सकता है वहाँ जाके ना मिले। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उल्टा चेक करना भी कैसे है। सपोज़ मुझे नहीं पता होता कि मेरा आंसर क्या है, तो मेरा आंसर जैसे ही ये टच करा कहीं पे, तो मुझे दिख गया 6 पे टच कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों में 60 रफ में डाल के देख लूँगा और मुझे वेरीफाई हो जाएगा कि मेरा आंसर 60 ही। अगर वो दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो मेरा आंसर है। तो मतलब मैं एल्जेब्रिकली को ग्राफिकली वेरीफाई कर सकता हूँ और ग्राफिकली को मैं एल्जेब्रिकली वेरीफाई कर सकता हूँ। तो दोनों समझ हमें होनी चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। समझ आ गया जी सबको, हाँ जी। एग्जाम्पल फाइव क्या बोल रही है कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन। तो अब आपने ग्राफिकली एल्जेब्रिकली नहीं ढूंढना, ग्राफिकली ढूंढना आपने कि नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हैं। अब हमारा ब्रेन हमें किस तरफ ले जाने को बोलेगा, हमारा ब्रेन तो हमें एक सेकंड में बोलेगा भाई साहब ए वन ओवर ए टू कर दो, बी वन ओवर बी टू कर दो, सी वन ओवर सी टू कर दो, क्योंकि यहाँ पे उसने ग्राफिकली बोला है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपका दिल करे तो आप पहले से रफ में कर सकते हैं, और रफ़ में करने के बाद फिर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, आंसर तो ये आने वाला है, फिर आपका ग्राफ गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब जब ये देखो इसमें 5 मेरा डिनोमिनेटर में, तो पहले तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, और 5 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देना और 3 कॉमन आएगा, तो वो भी कैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 इंटू 3 15 एक्स माइनस 24 वाई प्लस 3 ओवर 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, और इधर से 3 कॉमन भी आ रहा है, देखो 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इधर डिवाइड होने जाएगा तो ये भी 0 बन जाएगा, तो मेरा यही वाली चीज़ बच जाएगी। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई कर ली मैंने,
एक इक्वेशन मेरी ये रही, अरे ये तो सेम ही आ गई देखो, तो ये तो सेम ही आ गई। तो अब मेरा दिमाग, मेरे को तो ए वन ओवर ए टू भी नहीं करना पड़ा, 5/5 -8/8 1/1 बिना पेन उठाए दिख रहा है मुझे, तीनों बराबर हैं, तो क्या आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। अब आप ग्राफ भी प्लॉट करोगे तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन ही तो बनने वाली है, क्योंकि दोनों सेम है इक्वेशंस मेरी, तो दोनों आपकी एक लाइन के ऊपर एक बनेंगी और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस ग्राफ से आ जाएगा, आप इसे आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी को चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6 क्या बोल रही है, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पेंट्स एंड स्कर्ट्स। तो पेंट्स लिए हैं उसने कुछ और स्कर्ट्स लिए। When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts, यहाँ से important शुरू हो जाता है, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants. ठीक है जी, तो number of skirts, अगर मैं इसको ये करूँ, the number of skirts is equal to 2 less than -2, right? ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स। ठीक है, अब आप इसको दोबारा इंग्लिश को पढ़ सकते हो, देखो मैच कर रही है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, एक मेरी ये चीज़ बन गई, और दूसरी क्या बन गई, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स, तो ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स, एक मेरी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, तो ये आसान है। अब एस और पी भी रख सकता हूँ मैं वेरिएबल, क्योंकि मेरी वेरिएबल को जरूरी थोड़ी है एक्स और वाई है, उसने कहीं बोला थोड़ी है मुझे लेने को एक्स और वाई। ठीक है जी, तो एस और पी से भी ले सकता हूँ, क्योंकि एस और पी से मेरा ब्रेन बड़ी जल्दी से मुझे डिफ्रेंशिएट करके बता रहा है कहाँ पे स्कर्ट है और कहाँ पे पेंट है। लेकिन आपको एक्स और वाई में अगर लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पेंट्स को एक्स ले लो, ठीक है जी, पेंट्स को आप एक्स ले लो और स्कर्ट्स को आप वाई ले लो, नंबर ऑफ स्कर्ट्स को। अच्छा, जिसको समझ नहीं आता क्या लेना है तो आंसर में देख सकता है, हाउ मैनी पेंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट, तो नंबर ऑफ पेंट्स को एक्स मान लो आप, जो मैंने यहाँ पे पी माना था, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को आप वाई मान लो, जो मैंने यहाँ पे एस माना था। तो मेरा ये इक्वेशंस जो दो मेरी इक्वेशंस बनी, सिर्फ वाई और एक्स रिप्लेस करके देखो, पहली इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 2x-2 और y इज इक्वल टू 4x-4 ये बन गई। क्लियर है? तो अब उसने स्पेसिफिकली कुछ बोला हमें कि ग्राफिकली सॉल्व करना है या नहीं बोला, तो आप इसे जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिलहाल तो हमें ग्राफिकल मेथड ही आता है, क्योंकि अभी हम सेकंड एक्सरसाइज पे हैं, तो फिलहाल हम इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। और कैसे करेंगे? अच्छा, हम यहाँ पे अपनी चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैं यहाँ पे फटाफट रफ काम करूँगा यहाँ पे, और मैं 2x-y -2 = 0 और 4x-y -4 = 0 मैं चेक कर लूँगा कि मेरा क्या बनेगा। तो ये बना a1/a2 और b1/b2 तो -1 -1, c1/c2 इज -2 -4, तो ये तो 1/2 बन गया, ये 1 बन गया, तो ये तो इक्वल ही नहीं है, तो यूनिक सोल्यूशन मेरा आ गया। ठीक है, a1/a2 b1/b2 के ये c1/c2 की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा मेरा, तो मुझे पहले से पता है, तो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो एक जगह वो 100% करेगा। तो ग्राफ मेरा कहाँ कर रहा है देखो, ये मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा और वो कर रहा है 1-0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, आप वैल्यूज 3 लेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो 1-0 पे इंटरसेक्शन से ये आपका आंसर ग्राफिकली निकालना है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर आपका इंटरसेक्ट आएगा तो आप उसको दोनों में वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आप आंसर आपका सही है या गलत है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आंसर मेरा यहाँ से ग्राफ से 1-0 दिख गया मुझे। ठीक है जी, अब 1-0 आंसर है, मुझे समझ आ गया, राइट। तो अब क्या होगा, आप दोनों इक्वेशंस में ऊपर चेक कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x-2 वाली इक्वेशन में और इसमें भी। ठीक है जी, x की जगह 1 डालो तो देखो 0 आएगा, और इधर भी x की जगह 1 डालो तो 0 आएगा, तो दैट मीन्स मेरा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे भी क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। अब इसके बाद मेरा आंसर 1-0 आ गया, तो आप इसको इंग्लिश में लिख दोगे कि भाई 0 स्कर्ट्स खरीदी और 1 पैंट खरीदी। ओके, एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज 3.2 पे आ गए हम। ठीक है जी, क्या बोलती है देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर
ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो सॉल्यूशंस किससे आएंगे आपके? ग्राफिकली आएंगे। तो हमने सिर्फ ग्राफ बनाना है, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं आपके सिर्फ इक्वेशंस बनवा रहा हूँ, ग्राफ आप अपने आप बनाएंगे और मुझे होमवर्क करके भेजेंगे, ठीक है जी। और आंसर एक बार पीछे से टैली जरूर करेंगे सारे जने, और उस पर टिक भी मार के भेजेंगे अपने क्वेश्चन पे कि आपने पीछे से टैली किया करेक्ट है। तो इसमें देखो फर्स्ट में क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया? 10। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया नंबर। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो क्या हुआ? नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 नंबर ज्यादा है उनका बॉयज से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो ज्यादा है, तो मैं कम में ऐड करूंगा, मतलब बॉयज में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। देखो ना, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, तो गर्ल्स ज्यादा हैं तो मुझे बॉयज में ऐड करना पड़ेगा 4। जो हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो कम में करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एक ये चीज़ आ गई, तो यहाँ से मेरी, और दूसरी मेरी क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, ये आ गई। नंबर ऑफ बॉयज को मैंने यहाँ बी मान लिया, एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने जी मान लिया, ठीक है जी। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई है, तो आसान बनाने के लिए। दूसरी इक्वेशन क्या है, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा जी प्लस बी कितना आएगा? 10 सबको मिला के। तो ये जी बी से इतना आसान हो जाता है। अब आप इसको रेगुलर करना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई डाल सकते हैं, बॉयज़ को आप एक्स डाल सकते हैं, तो आपकी रेगुलर इक्वेशन आ जाएगी। इधर भी आपकी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 आ जाएगी। तो इतनी सिंपल, दिस इज़ माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ माई इक्वेशन 2। आप इन दोनों को प्लॉट कीजिए, और वैसे तो A1 ओवर A2 और B1 ओवर B2 से आप इसको देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ मेरा ये बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेरा सिंपल सा है। अच्छा, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के कंपेयर करना, ऐसे मत करना, ऐसे कंपेयर करने लोगे तो गलत हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के कंपेयर करोगे तो x प्लस वाई, ये सिर्फ रफ के लिए है, ये आपके चेकिंग के लिए कि क्या आंसर आने वाला है। x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरा x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 1 ओवर 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 ओवर माइनस 1 आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू हुए। तो दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकल के आएगा, वो आप ग्राफ से निकाल लेंगे, ठीक है जी। किसी को डिस्कशन चाहिए इस केस में? सेकंड क्वेश्चन पार्ट जो है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, ये क्या कह रहा है, 5 पेंसिल्स 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, ये रुपीज़ आता है, ₹50, ठीक है जी। तो आपको पता है नंबर ऑफ एक कॉस्ट पेंसिल की मांगी भी वही है। देखो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल को अगर मैं एक्स ले लेता हूँ, और कॉस्ट ऑफ वन पेन को अगर मैं रुपीज़ वाई ले लेता हूँ, राइट। तो मेरा क्या हो जाएगा कि 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। 7 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7y हो जाएगी। और दोनों को खर्चा कितना है? ₹50 किया टोटल स्पेंडिंग उसने। तो पहली इक्वेशन तो मेरी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू ₹50 आ गई। अब सेकेंड में उसने कितना लिया है? 7 पेंसिल्स ली हैं, तो 7x कॉस्ट होगी 7 पेंसिल्स की। 5 पेंस ली हैं, तो 5 रुपीज़ होगी कॉस्ट 5 पेंस की। टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो अब 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है जी। A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 से ही दिख रहा है यूनिक सॉल्यूशन आएगा कुछ, तो आप ग्राफिकली से प्लॉट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी को चाहिए इसमें एक्सप्लेनेशन? सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 एंड C1 ओवर C2, इन रेशियोज को मुझे कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल या कोइंसिडेंट, ठीक है जी। तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट करेंगी। अब इंटरसेक्ट कब करती हैं? इंटरसेक्ट ये हमें क्लियर होना चाहिए जब A1 ओवर A2 नहीं होता बराबर B1 ओवर B2 के। पैरेलल कब होती हैं? कोइंसिडेंट में जब तीनों बराबर हों, और पैरेलल में जब A1 A2 और B1 B2 बराबर हो, C1 C2 बराबर नहीं हो। तो फटाफट यहाँ पे हम फटक करके देख लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट को हम करेंगे तो क्या आएगा, 5 ओवर 7 A1 ओवर A2 माइनस 4 ओवर 6 B1 ओवर B2 और 8 ओवर माइनस 9, क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये तो पहले ही नॉट इक्वल टू आ गया, तो दैट मीन्स ये इंटरसेक्ट करेगी एट ए पॉइंट पे। फर्स्ट पार्ट मेरा आंसर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि A1 ओवर B2 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2 आ गया। अब सेकेंड में
क्या करेंगे सेकंड में, देखो पार्ट में 9 ओवर, अच्छा ये भी ऑलरेडी उसमें है स्टैंडर्ड में है, तो 9 ओवर 18, 3 ओवर 6 b1 ओवर b2, c1 ओवर c2 इज 12 ओवर 24, तो ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया, तीनों इक्वल आ गए, तो दैट मीन सेकेंड पार्ट मेरा को इंसिडेंट हो गया, क्योंकि तीनों इक्वल आ गए तो सेकेंड पार्ट इज को इंसिडेंट। थर्ड पार्ट में क्या दिखा रहा है देखो, वो थर्ड पार्ट में दिखा रहा है 6 ओवर 2 -3 ओवर -1 और 10/9, तो इसमें ये 3 आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 3 आ जाएगा, ये कुछ नहीं आएगा, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, तो ये मेरा पैरेलल लाइंस का आ गया, तो ये मेरा पैरेलल लाइंस का थर्ड आ गया, ठीक है जी, क्योंकि इसमें a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 तो आ ही रहा है थर्ड पार्ट में, लेकिन c1 ओवर c2 के बराबर वो नहीं आ रहा। आप ऐसे प्रॉपर पूरा लिख के शो करेंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया, किसी को इसमें चाहिए एक्सप्लेनेशन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फिर से वही रेशोज़ कंपेयर करने का बोल रहा है, a1 a2 वाली ये रेशोज़ कंपेयर करने का बोल रहा है कि ये इनका अब कंसिस्ट, अब उसने चेंज कर दिया, अब उसने क्या बोल दिया, अब उसने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोल दिया, तो सिर्फ हमें वो ऑप्शन चेंज करके दे रहा है। हमें पता है इनकंसिस्टेंट कब होती है, इनकंसिस्टेंट तब होती है जब कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, और वो कब होता है, जब पैरेलल लाइंस होती हैं, तो पैरेलल लाइंस कब होंगी, जब मेरा a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 होगा, इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 होगा, बाकी दोनों केसेस में मेरा कंसिस्टेंट आएगा, भले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट यहाँ वो नहीं मांग रहा, तो जब मेरा यूनिक सोल्यूशन आएगा वो कब आता है मेरा, जब a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 होता है, चाहे तो ये केस और चाहे तीनों इक्वल वाला केस, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2, तो ये दोनों केसेस कंसिस्टेंट में आएंगे, सिर्फ ये वाला केस पैरेलल लाइंस वाला इनकंसिस्टेंट में आएगा। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, ठीक है। तो अब आप फटाफट इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, पहले आपको फर्स्ट पार्ट वो करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0, तो दिख ही रहा है कि 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो ये मेरा कंसिस्टेंट आ गया, ठीक है। तो हमने वो बताना है जो हमसे पूछा गया है, जो हमारे ब्रेन को पता है कि ये यूनिक है सोल्यूशन या वो नहीं लिखना, हमने सिर्फ जो पूछा गया वही लिखना। सेकेंड पार्ट अब आप ऐसे कर लेंगे बड़े आराम से, देखो सेकेंड पार्ट में शॉर्टकट में सीधा लिख रहा हूँ, आप स्टैंडर्ड लिख के पूरा करेंगे, तो 2/4 और यहाँ पे -3/-6, ठीक है जी। तो ये तो दोनों 1/2 आ रहे हैं, तो मैं तीसरा भी देखूंगा, तो -8/-9, ठीक है, क्योंकि आप इसको पहले ट्रांसपोज करके इधर लेके जाएंगे तो -8 और -9 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, अब ये लास्ट पार्ट नॉट इक्वल टू आएगा, बाकी दोनों तो इक्वल हैं देखो, क्योंकि दोनों 1/2 आ रहे हैं कट के, ठीक है। तो ये पैरेलल आ गया, तो ये इनकंसिस्टेंट आ गया, राइट। थर्ड पोर्शन में देखो, आप इतना सिंपल करना चाहोगे इतना सिंपल करो, नहीं तो एलसीएम लेके इसको पहले ठीक करो, आपका आंसर जैसे मर्जी आ सकता है, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो इसमें 6 एलसीएम आ जाएगा, देखो एलसीएम मैं यहीं पे साइड में ले दूं अगर, तो 6 एलसीएम आ जाएगा मेरा, तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 9x + यहाँ 2 आएगा तो 10y = 7, तो इधर है, अब 6 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन क्या बन गई, 9x + 10y - 42 इज इक्वल टू 0, 42 बन जाएगा ना ये मल्टीप्लाई होकर, तो मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया एक ही बार में। नीचे क्या दूसरी क्या है, ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन, तो 9x - 10y - 14 इज इक्वल टू 0, तो अब इसमें क्या होगा, साइंस का इसमें देखो है दिक्कत, तो यहाँ पे आपकी a1/2 तो 9/9 आ रहा है, b1/2 + 10/-10 आ रहा है और c1/2 - 42/-14, तो ये 1 आ रहा है लेकिन ये -1 आ रहा है, तो ये मेरा नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा, तो ये मेरा कंसिस्टेंट में आ जाएगा क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट आपका ऐसे हो जाएगा। फोर्थ यहीं से दिख रहा है मुझे, 5/-10 - 3/6 - 11/, अब ये साइन चेंज होंगे दोनों के, तो ये +22 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये -1/2 आ गया, ये भी -1/2 आ गया,
और ये भी माइनस वन बाई टू आ गया, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। तो भले इनफाइनाइट है, कंसिस्टेंट तो बनेंगे ही, ठीक है। लास्ट पार्ट फिफ्थ, फिफ्थ पार्ट में आप क्या करेंगे, एलसीएम लेना चाहते हैं, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 4x + 6y, अब 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 24 बनेगा, तो -24 = 0। तो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ और 2x + 3y को सेकेंड इक्वेशन मान लूँ, तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं 4/2, ठीक है जी, 6/3 और -24। अब 12 को इधर ले जाओगे तो -12 आ जाएगा, तो अपॉन -12, तो 2 2, ये भी 2, तो ये भी मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए, तीनों बराबर आ गई चीज़ें, तो फिर ये भी मेरा इनफाइनाइट है तो कंसिस्टेंट में ही आएगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो किसी को एक्सप्लेनेशन इसमें चाहिए तो मेरे से डिस्कशन कर सकता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है देखो, वो भी यही बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये पार्ट आपको आता है देखना, जैसे ऊपर वाला है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, ऑप्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, तो आपको ग्राफ बना के उसका सोल्यूशन निकालना है जी, ठीक है। तो ये मैं आपका होमवर्क छोड़ता हूँ कि आपको इस पे होमवर्क करना है, फोर्थ क्वेश्चन को सारा, कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और आपको ग्राफ बताना है। किसी को इसमें नहीं समझ आएगा या डिस्कशन चाहिए होगी तो मेरे से वो कल डाउट क्लियर कर सकता है। अब आगे फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन में फिफ्थ करते हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज, अच्छा हाफ द पेरीमीटर भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, हुज लेंथ इज, लेंथ को क्या बोल रहा है, इज 4 more than the width, ठीक है जी। तो लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो लेंथ बड़ी है, तो लेंथ को मैं इधर ले सकता हूँ और विड्थ में मैं 4 ऐड कर सकता हूँ, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी, इज 36 meter। अब 36 meter दोबारा लाइन पढ़ते हैं, किसे बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज मोर देन विड्थ इज, ठीक है जी। तो हाफ द पेरीमीटर जो है वो 36 है, क्योंकि इसने कॉमा लगा दिया और ख़त्म कर दी बात, यहाँ इज 36, तो स्टार्ट इसने हाफ द पेरीमीटर से किया था, ठीक है जी, और इस कॉमा से इस कॉमा तक मैं लाइन को छोड़ सकता हूँ क्योंकि उसने लेंथ का बोला था सिर्फ। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, तो हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं उसको हाफ कर देते हैं। अब आप एक काम कीजिए, चलो पहले मैं एल और उसमें ही समझा देता हूँ आपको। तो अगर मेरा इसमें क्या रहेगा, पेरीमीटर क्या होता है, 2 length + breadth, तो ये तो हाफ, इसका हाफ करना है तो मैं इसको हाफ कर दूंगा, हाफ द पेरीमीटर इज 36, तो ये कट गया। तो एक मेरी एल प्लस बी ब्रेड्थ ले लिया इसको, अब यहाँ डब्ल्यू ले लो विड्थ को, यहाँ भी ब्रेड्थ ही ले लो आप, विड्थ और ब्रेड्थ एक ही होता है। तो दो इक्वेशन मेरे पास आ गई। तो अब आप इसे चेंज करना चाहते हैं अपनी यूजुअल फॉर्म में, तो लेंथ को अगर आप कहीं से भी उठा सकते हैं, लेंथ को आप x मान लो, ब्रेड्थ को आप y मान लो, तो एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई x = y + 4, और दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बनी, x + y = 36, ठीक है। दो इक्वेशन मेरी आ गया, बस आपने इनका ग्राफ बनाना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ ग्राफिकली सॉल्व करना आता है, ठीक है जी। तो आप इसको लीनियर से नहीं करेंगे सॉल्व, अभी आप ग्राफिकली करेंगे, क्योंकि लीनियर से तो आप एक मिनट में आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हमने क्योंकि मेथड स्टार्ट नहीं करे तो आप ग्राफ से इसको सॉल्व करेंगे। तो x और y आपका आ जाएगा और वो आप चेक करके मुझे ग्राफिकली सॉल्व करके आंसर बताएंगे। चलिए जी, सिक्स्थ क्या बोल रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन दे दीजिए, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टर लाइन। अब गिवन उसने एक इक्वेशन दे दी, अब आप वो आपको कह रहा है कि मुझे एक और लीनियर इक्वेशन लिखो, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और लीनियर इक्वेशन लिखो टू वेरिएबल्स की सच दैट, जिसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए मुझे पता है क्या चाहिए भाई, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, तो मैं क्या करूँगा, अब a1 तो 2 दिख रहा है, a/a2 कुछ भी ले लो, सपोज़ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो a1/a2 इज 4x ले लेते हैं, तो 1/2 दिख रही है मुझे a1/a2। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ से
इसको 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9y, और यहाँ पे आप कुछ करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप यही छोड़ दो तो ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी। क्यों बनेगी? क्योंकि आप यहाँ पे करके देखो इसे कि 2/4 और 3/9, अब देखो ये तो 1/2 आ रहा है, ये 1/3 आ रहा है, तो ये दीज आर नॉट इक्वल, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई मेरी है। तो इसलिए आप इसको ऐसे उल्टा कर सकते हैं। अब सेकेंड में क्या मांगा उसने? पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट बना लेते हैं, पहले आसान होती है कोई थर्ड पार्ट की। कोइंसिडेंट में क्या करना है, आपको एक ही फैक्टर से कर देना है, तो आप सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x इसको करना आपने मल्टीप्लाई, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आप देखो सब 1/2 बन जाएंगे अब आराम से, तो कोइंसिडेंट लाइंस आ जाएंगी। सिमिलरली पैरेलल लाइंस में आपने क्या करना है, पहले दो को तो सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 लाइन है इज इक्वल टू 0, तो पहले मैं 2 से कर देता हूँ, तो दोनों मेरे बराबर आ गए, 1/2 1/2। अब इधर मैं 3 से कर देता हूँ, या आप सेम भी रख सकते हैं, तो ये मेरा a1/a2 b1/b2 बराबर आ गया, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आया, तो ये मेरी पैरेलल लाइंस बन गई। ठीक है जी, क्लियर है सबको? किसी को डिस्कशन चाहिए तो पूछ सकता है मेरे से। देखो सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। आपने क्या करना है, आपने दो इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं, ये बनाना है और इसका बनाना है, वो आपको आता है मुझे पता है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत नहीं है, एडिशनल उसने इन्फॉर्मेशन बोली है कि ट्राइंगल के वर्टिसेस बनाने हैं, बस ये ध्यान से पढ़ना आपने, ठीक है। फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स, दो लाइन तो ये बन जाएंगी, और तीसरा एक्स एक्सिस को लेना है। इसमें उसने स्पेशली मैंशन करा एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन भी आ सकता है, ठीक है। ये हमने 9th में भी करे थे और इस साल भी हम करेंगे, तो आप क्या करेंगे, मैं फटाफट कर देता हूँ कि एक्स माइनस, कलर चेंज कर लेते हैं, कि एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं दो ही पॉइंट से कर रहा हूँ, आप 3 से करना, टाइम कम है, क्योंकि भाई अगर मैं एक्स को 0 डाल रहा हूँ तो वाई क्या आ रहा है जी, वाई उधर चला जाएगा, 1 आ रहा है, और अगर मैं वाई को 0 डाल रहा हूँ तो एक्स मेरा माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। और दूसरी जगह 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो इसमें मैं xy को क्या कर रहा हूँ, एक बार x को 0 डाल रहा हूँ तो ये इधर 12 चला जाएगा, y 6 आ जाएगा, और एक बार y को 0 डाल रहा हूँ तो 12 उधर जाके x 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं अगर इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा तो 0 1, ये चीज़ आ गई, एक मेरा ये पॉइंट आ गया येल्लो वाला 0 1, और -1 0, तो -1 पे 0 यही वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये कुछ मेरा ग्राफ ऐसे बन गया। अब इसके बाद एक्स वाई वाला 0 6, तो 1 2 3 4 5 6, 0 6 ये आ गया जी, और 4 0, 1 2 3 4 4 0 ये आ गया। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरा ग्राफ बन गया। अब उसने बोला था ट्राइंगल का सिर्फ शेड करने का बोला है उसने, ठीक है, उसने कुछ नहीं मांगा। अच्छा, उसने ये भी मांगा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। तो वर्टिसेस, ये एक्सिस वाला तो मेरा बड़ा आराम से आ गया, कौन सा है ये, -1 0, यहाँ से आ गया ये, राइट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई 0 होता है, तो दोनों पॉइंट मेरे एक्स एक्सिस के तो यहीं से आ जाएंगे, 4 0, तो ये आ गया। और ये कहाँ से आएगा, ये इंटरसेक्शन आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आपको दिखेगा, मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, ये 2 2 दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा 2 2 को एक बार चेक कर लेता हूँ। तो 2 अगर मैंने एक्स को 2 डाला तो क्या आएगा, 2 -y + 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इधर चल गया, तो 2 3, वाई क्या चीज़, अच्छा 2 2 डालना था ना, तो वाई को भी 2 डालना था, तो नहीं आया, तो यहाँ से मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, तो एग्जैक्ट मुझे ये पॉइंट चाहिए, तो मैं अभी रफ में कर रहा हूँ, आप एग्जैक्ट पॉइंट निकालेंगे तो मैं तो इसको सॉल्व कर लूँगा, एक से सब्सटीट्यूट कर दूँगा, या ये 3 2 तो नहीं है, 3 + 1 नहीं, 2 + 1 2 3 हो सकता है, तो 2 अगर मैं यहाँ डाल दूँगा 2 3 यहाँ चल जाएगा, बिल्कुल चल रहा है यहाँ पे 2 3, और यहाँ पे 2 3 6, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 2 3 है, ठीक है। तो आपका ये एग्जैक्ट जब ग्राफ बनाओगे ये 2 3 निकल आएगा, ठीक है। तो ग्राफ से ये 2 3 आ गया, दोनों जगह वेरीफाई करके देख लेना तो आपको गलती भी नहीं होगी। तो उसके बाद मेरे तीनों वर्टिसेस आ गए, अब शेड करना है, शेड ये एरिया हो गया,
अगर आपसे एडिशनल मैं कहूँ इसका एरिया क्या आएगा, तो एरिया भी आप निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकलेगा इसका? एरिया निकलेगा माइनस वन से फोर तक फाइव यूनिट्स हैं, फाइव बॉक्सेस हैं, और यहाँ से लेके इसके परपेंडिकुलर में वाई वाले तीन जा रहे हैं ऊपर, तो थ्री है। तो एरिया मेरा इसका ट्राइंगल का जो इसमें नहीं मांगा एडिशनल, हाफ फाइव इंटू थ्री यानी 15/2 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाते हैं। ठीक है जी, किसी को इसमें डिस्कशन चाहिए?